अप्रैल मंथ में जहां पर हम लोगों को Realme 3 Pro, Redmi Y3 जैसे कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिले हैं, वहीं पर जो आने वाला नेक्स्ट मंथ है, मतलब कि मई मंथ, इस मंथ में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमाल के स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। और यार एक बात तो है, मई मंथ में जो स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ फ़ोन ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि स्मार्टफोन मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट कर दे। तो अगर आप लोग आने वाले टाइम पर कोई भी स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन बताने वाली हूँ अंडर 20,000 रुपीज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, मेरा नाम है किरण, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला स्मार्टफोन जो कि हम लोगों को मिड में या फिर मई एंड तक देखने को मिल जाएगा, वो आ रहा है Xiaomi की तरफ से Mi A3। तो यहाँ पर यार आप लोगों में से शायद काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता हो कि जो Mi A सीरीज होती है ना, वो कैमरा स्पेसिफिक के लिए होती है। तो यहाँ पर इस फ़ोन का हाइलाइटिंग फीचर भी यही होने वाला है कि इस फ़ोन में हम लोगों को बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर पीछे की ओर हम लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 48+12+5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में हम लोगों को 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। बट ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ कैमरा ही अच्छा होने वाला है, अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर भी बहुत ही कमाल का होने वाला है। इनफैक्ट अभी कुछ ही टाइम पहले मनु जैन ने एक ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि वो लोग एक मार्केट में एक नया स्मार्टफोन ला रहे हैं स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नया जो स्मार्टफोन आने वाला है वो Mi A3 हो, और अगर Mi A3 में स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर आता है ना अंडर 20,000, तो बहुत ही कमाल का ये स्मार्टफोन होने वाला है। तो आप लोग किसी का वेट करो ना करो, बट इस फोन का वेट करना तो बिल्कुल बनता है। वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी कि आजकल ना स्मार्टफोन के प्राइसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक बच्चे बच्चे के पास स्मार्टफोन है। तो यार अगर आप एक पेरेंट हो और आपने अपने बच्चे को स्मार्टफोन दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम आपको इस चीज का भी टेंशन है कहीं आपका बच्चा बिगड़ ना जाए, तो एक्चुअली में आप अपने बच्चे के स्मार्टफोन को मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप अपने बच्चे के फोन को मॉनिटर करोगे, या फिर किसी के भी फोन को जब आप मॉनिटर करोगे ना, तो उसको इस चीज का पता भी नहीं लगेगा। और इसको आप सिंपली कर सकते हो, spicy.com पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है, और जिसके भी फोन को मॉनिटर करना है उसमें बस आपको एक ऐप को इंस्टॉल कर देना है, उसके बाद आप हर एक एक्टिविटी पर नजर रख सकते हो, जैसे कि कॉल्स, मैसेजेस, गैलरी, लोकेशन और भी बहुत कुछ। बाकी इसके बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर इन केस अगर आप इसके प्लान को परचेस करना चाहते हो तो इस कूपन कोड को ज़रूर से यूज़ करिएगा, आपको इंस्टेंट 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी की जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। तो ये जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन है ना, वो एक तगड़ा कॉम्पिटिशन बन सकता है Redmi Y3 के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ Realme के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन सेल्फी किंग Realme U2 के बारे में। तो इस फोन का हाइलाइटिंग फीचर भी यही होने वाला है कि इस फोन में भी हम लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है, और काफी ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि ये फोन हम लोगों को मई के मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि इस फोन में हो सकता है हम लोगों को हीलियो P90 प्रोसेसर देखने को मिले। तो अगर इन्हीं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है ना 10,000 की प्राइस पॉइंट में, तो ये एक सेल्फी किंग बन सकता है इस प्राइस रेंज में। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है ना, वो आ रहा है सैमसंग की तरफ से। तो यार यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज तो नोटिस की ही होगी कि अभी 2019 के बस 4 ही महीने बीते हैं और सैमसंग स्मार्टफोन पर बस स्मार्टफोन ही लॉन्च किए जा रहा है। मतलब हर महीने 2-3 स्मार्टफोन तो लॉन्च कर ही देता है, चाहे आप एस सीरीज देख लो, ए सीरीज देख लो, या फिर एम सीरीज की ही बात कर लो। और अभी जो ये नया स्मार्टफोन आ रहा है ना, वो आ रहा है M सीरीज की तरफ से M40, जो कि हम लोगों को बहुत ही जल्द मई के मंथ में देखने को मिल जाएगा। बट यार ये जो M40 है ना, वो कुछ हद तक M30 की तरह ही होने वाला है, मतलब वही 5000mAh की बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और एमोलेड डिस्प्ले। बट यहाँ पर जो मेजर इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा ना, वो देखने को मिलेगा इसके प्रोसेसर में, और कुछ इंप्रूवमेंट हमें कैमरा डिपार्टमेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ कह
कह सकते हैं कि ये फ़ोन कहीं ना कहीं कंपटीशन देने वाला है Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro जैसे स्मार्टफोन्स को। और जहाँ तक मैं कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़ोन का प्राइस को 16-17 हज़ार के आसपास ही होना चाहिए। बाकी ये चीज़ तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा ना, तो एग्जैक्टली कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा और एग्जैक्टली इस फ़ोन का प्राइस क्या रखा जाएगा। अब जो लोग नोकिया ब्रांड के बहुत बड़े फ़ैन है ना, उन लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि नोकिया की तरफ से भी एक फ़ोन हम लोगों को मई में देखने को मिल सकता है। और ये फ़ोन वैसे तो ऑलरेडी ताइवान में लॉन्च हो चुका है नोकिया X71 के नाम से, तो बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन हम लोगों को इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। वैसे यार, अगर इस फ़ोन को देखा जाए ना, तो लुक वाइज तो ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का लगता है इसकी ग्लास बॉडी होने की वजह से और पंच होल डिस्प्ले की वजह से। और साथ ही में इस फ़ोन में हम लोगों को बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। मतलब इसमें हम लोगों को पीछे की ओर 48+8+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। बट यार, सारी बात आके अटक जाती है फ़ोन की प्राइसिंग पर। बट अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फ़ोन का प्राइस 20,000 के आसपास ही होना चाहिए इंडिया में। लेकिन यार, ये नोकिया ब्रांड है, ये कुछ भी कर सकता है, तो इसकी कम प्राइसिंग पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है ना, वो एक्चुअली में एक स्मार्टफोन नहीं है, वो एक पूरी सीरीज है जो आ रही है ऑनर की तरफ से। तो इस सीरीज का नाम है ऑनर 20 सीरीज और ये सीरीज 21 मई को लंदन में लॉन्च होने जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि उसी एक हफ्ते के अंदर ये सीरीज इंडिया में भी लॉन्च होगी। और इस सीरीज में हम लोगों को कन्फर्म एक या फिर दो स्मार्टफोन तो अंडर 20,000 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और इन स्मार्टफोन का नाम हो सकता है ऑनर 20 एंड ऑनर 20 लाइट। वैसे तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन इन स्मार्टफोन की निकल के नहीं आई है, बट यार, ऑनर जब भी इंडिया में कुछ स्मार्टफोन लॉन्च करता है ना, तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लॉन्च करता है। तो इस बार ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कुछ खास लेके आता है ऑनर इस बार इंडिया में। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज़। बाकी 20,000 के ऊपर भी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं मई के मंथ में। अगर स्पेशल मेंशन करवाऊँ यहाँ पर, तो इस फ़ोन की तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रखी थी। इस फ़ोन का नाम है Oneplus 7 एंड Oneplus 7 Pro, जो कि फाइनली 14 मई को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। बाकी इसके अलावा पिक्सल 3a एंड 3xl भी हम लोगों को मई के मंथ में ही देखने को मिल जाएगा, जो कि 30,000 के प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च होगा। और काफ़ी ज़ोरों शोरों से इंतज़ार हो रहा था इस फ़ोन का, क्योंकि ये पिक्सल सीरीज की पहली बार एक मिड रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं ना, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि नूबिया रेड मैजिक 3 मई के मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो इस फ़ोन का भी आप ज़रूर से वेट कर सकते हो। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।